my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following... नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हो सैंड यूट्यूबर चैनल। दोस्तों मेरे पास एक होम थिएटर का बोर्ड पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए दुनिया का सबसे छोटा होम थिएटर बनाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो है, मैंने यहाँ पर दुनिया का सबसे छोटा होम थिएटर बनाया है दोस्तों, ट्रांसफार्मर लेस। ये दोस्तों पी ओ डी सी पे काम करेगा, 12012 DC पर, ठीक है। आप लोग ये इसको कंप्यूटर के पावर सप्लाई पर चला सकते हो दोस्तों, किसी भी 12012 या फिर 18018 DC वोल्टेज पर चला सकते हो दोस्तों। यहाँ पर AC नहीं देना है, यहाँ पर DC देना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैंने सब कुछ कनेक्शन कर लिया है। ये हमारा वॉल्यूम है, ये साइड पर हमारा बेस का है, यहाँ पर LED का कनेक्शन किया है और यहाँ पर पैनल लगाया है दोस्तों। यहाँ पर कनेक्शन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये जो दो वायर देख सकते हो, ये हमारा ट्विटर स्पीकर के लिए है, ये राइट और ये लेफ्ट, और ये ग्राउंड। दोस्तों ग्राउंड का वायर मैंने यहाँ पर से लिया है दोस्तों, इस साइड से, और ये डायरेक्ट जा रहा है हमारा RCA सॉकेट पर दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो RCA सॉकेट, यहाँ पर ये ग्राउंड है और ये राइट लेफ्ट है दोस्तों, ठीक है। तो उसके ये दोस्तों हमारा ट्विटर स्पीकर आउटपुट है। तो हमारा ऊफर आउटपुट दोस्तों यहाँ पर से है, यहाँ पर ऊफर आउटपुट है हमारा, प्लस और माइनस, ठीक है। और ये हमारा बेस कंट्रोल है यहाँ पर, ये तीन हमारा बेस कंट्रोल है, जो ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है दोस्तों, ये राइट इनपुट है, ये लेफ्ट इनपुट है, और ग्राउंड किसी भी जगह से आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पोटेंशियोमीटर लगाया है दोस्तों, या कार्ड से जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। ये कार्ड से जो आउटपुट आ रहा है दोस्तों, वो पोटेंशियोमीटर के फास्ट पॉइंट पर जा रहा है, मिडिल पॉइंट से यहाँ पर हमारे बोर्ड पर जा रहा है, और ग्राउंड ग्राउंड पर है दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों POD/DC में चलाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर 12012 पर कनेक्ट नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर प्लस 12 देना है, यहाँ पर जहाँ पर डायोड मिल रहा है यहाँ पर प्लस 12, यहाँ पर दोस्तों माइनस 12, और ग्राउंड दोस्तों किसी भी, यहाँ पर दोस्तों दो कैपेसिटर एक साथ जुड़ रहा है, इसका प्लस और इसका माइनस। तो यहाँ पर मैंने इसका ग्राउंड दे दिया है दोस्तों, मतलब 0 यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों और कुछ भी कनेक्शन नहीं है, और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा दोस्तों यहाँ पर दो कैपेसिटर जुड़ा है, यहाँ पर देख सकते हो 4700 ये 25 वोल्ट का, ताकि यहाँ पर हमारा बेस काफी अच्छी तरीके से मिले। और ये जो वूफर का जो आउटपुट है वो डायरेक्ट यहाँ पर हमारा स्पीकर सॉकेट में लग रहा है दोस्तों, ठीक है, ये स्पीकर सॉकेट में। इसमें से दोस्तों 4 ट्विटर चलेगा और इसमें से दोस्तों 1 वूफर चलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने बनाया है दुनिया का सबसे छोटा होम थिएटर। तो इसको चलिए मैं फिक्स करके ग्लूगन से मैं आप लोगों को उसके बाद प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा है दुनिया का सबसे छोटा ये होम थिएटर, ठीक है, देख सकते हो, किसी भी एंगल से नहीं लगेगा दोस्तों कि ये होम थिएटर है, ठीक है। तो ये इसको मैंने यहाँ पर DC पावर सप्लाई से मैं चला रहा हूँ दोस्तों, कंप्यूटर का पावर सप्लाई है ये, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो। और PC की साइड से कुछ इस तरीके से ये दिखता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक 8 इंच का ऊफर कनेक्ट है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए NCS को प्ले करते हैं और सुनते हैं दोस्तों गाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिमोट से इसका कंट्रोल करूंगा। Thank you.
दोस्तों हम लोग चाहे तो यहाँ पर से बेस को कम कर सकते हैं, ये एकदम बेस ऑफ हो गया है। यहाँ पर से वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। एक बार मैं आप लोगों को एक डीजे सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं डीजे सॉन्ग नहीं चला पाऊंगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कॉपीराइट पड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इंसेंस प्ले करके आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये ट्विटर जो स्पीकर है हमारा, इसको मैं खोल दे रहा हूँ और यहाँ पर सिर्फ बेस को सुनेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको मैंने खोल दिया है दोस्तों, तो चलिए अभी सिर्फ बेस को सुनेंगे दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं डीजे सॉन्ग प्ले करता हूँ। मतलब यहाँ पर बेस को दिखा रहा हूँ आप लोगों को।
दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया है, दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा होम थिएटर का बोर्ड है ये बड़ी हीट हो रहा था दोस्तों, ठीक है, एकदम ज्यादा हीट हो रहा था दोस्तों, तो इसीलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा फैन लगा दिया है जो कि 12 वोल्ट से चलता है दोस्तों, ठीक है। फैन का जो कनेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर जो एलईडी देख रहे हो आप लोग, ठीक है, एलईडी का माइनस और एलईडी का प्लस से मैंने यहाँ पर दो वायर निकल के यहाँ पर रख दिया है और ये 12 वोल्ट का फैन मैंने लगा दिया है यहाँ पर एक्स्ट्रा एमडीएफ का टुकड़ा लगा के दोस्तों, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। और पीछे की साइड पर दोस्तों ये जो वायर था ये छोटा वाला था, ठीक है, ये मेन लीड का 1212, ठीक है, देख सकते हो, तो इसको मैंने बड़ा कर दिया है ताकि ये हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से यूज कर सके। तो यहाँ पर मेरा एसएमपीएस है, ये यहाँ पर 1212 से दोस्तों ये अभी चल रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मेरा एक 6 इंच का ऊफर कनेक्ट है और एक दोस्तों 4 इंच का स्पीकर, और यहाँ पर दोस्तों बेस के लिए यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 8 इंच का ऊफर है, तो ये कनेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं प्ले करके आप लोगों को सुनाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ अच्छा चीज दिखाने की कोशिश में रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा और देखते रहिएगा मेरा ये चैनल सैंडी यूट्यूबर दोस्तों। चैनल को अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।